अध्याय एक, संतों की महिमा। उस परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा से कुछ लिखना और पढ़ना सीख गया हूँ, साथ ही थोड़ी सी सोचने और समझने लायक बुद्धि भी आ गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पिता तुल्य गुरुदेव, मेरे गुरु महाराज श्री डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी का रहा, जिन्होंने मुझे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित रखा था। जब मैं छोटा था, मेरी माँ हमेशा चिंतित रहा करती थी कि मेरा बेटा कैसे पढ़ पाएगा। मैंने देखा है कैसे मेरी माँ दिन रात गुरु महाराज से प्रार्थना किया करती थी। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तब सोचा होगा एक ऐसी धरा का निर्माण किया जाए जिस पर सुंदर वृक्ष हो, सुंदर फल फूल हो। जब धरा का निर्माण करके पेड़ पौधे स्थापित कर दिए होंगे, तब सोचा होगा पृथ्वी तो सूनी लग रही है, अगर इसमें कुछ मधुर आवाजें आने लगे तो सुंदर वातावरण बन जाएगा। तब भिन्न भिन्न आवाजों वाले पक्षियों का निर्माण किया होगा, फिर आवश्यकता अनुसार पशुओं का निर्माण किया होगा, शायद सबसे बाद में अपनी सबसे सुंदर रचना प्रकृति और पुरुष की रचना की होगी। अभी तक की सबसे शक्तिशाली रचना को अपने सभी गुण प्रदान कर दिए होंगे। मनुष्य को अपनी शक्तियों का अभिमान ना हो जाए, इसीलिए अपने सभी गुणों को मायाजाल से छिपा दिया होगा। ऐसी कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने तप के बल पर इन सभी गुणों को जागृत कर लिया है, उसने ही उस परम सत्ता को चुनौती दी है। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य सर्वदा से पाए जाते रहे हैं और आज भी हैं, पहला दैत्य, दूसरा संत। दैत्य आसान भाषा में कहा जाए तो वह मनुष्य जो अकारण ही अपने आप को असुरक्षित और भयभीत महसूस करते रहते हैं और अपने उसी भय असुरक्षा के कारण दूसरों पर आक्रमण करते हैं, दूसरों की सीमाओं पर अतिक्रमण करते हैं। फिर वह सीमाएं देश या राज्य की हों या फिर सामाजिक अधिकारों की, इन्हें तो आक्रमण करना है। ऐसे लोग सर्वदा अपना और अपने परिवार का हित ही सोचते हैं, उन्हें समाज की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे लोग परमात्मा के कार्य में भी विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं और अपने को भगवान ईश्वर परमात्मा तक घोषित कर देते हैं। ऐसे लोगों का अंत में दुर्गति ही होती है। हम सब जानते हैं रामायण, महाभारत, गीता सबने पढ़ी है। गीता में तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मुझे बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, मैं तो एक अश्रुबूंद से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं तो श्रद्धा और भाव का भूखा हूँ। भक्त जब मुझे श्रद्धा से अश्रुबूंद भी चढ़ा भेंट करते हैं तो भक्त से ज़्यादा श्रद्धा से उसे मैं ग्रहण करता हूँ, पर अहंकार वश मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाता है। थोड़े से सुख साधन जुटा लेने पर ही मनुष्य अपने आप को परम ज्ञानी और परम शक्तिशाली समझ लेता है। ऐसे लोग शक्तिशाली और ज्ञानी होकर भी सतमार्ग से हटकर अंधकार मार्ग पर चले जाते हैं, साथ में अपने परिवार को भी अहंकार के अंधकार मार्ग में धकेल देते हैं। इसीलिए चाहे प्राचीन युग की बात करें या आधुनिक युग की, ऐसे लोग हमेशा से ही समाज में हमारे बीच रहते हैं। ऐसे लोगों की संगत से सभी साधक भाई बहनों को दूर रहना चाहिए। जिनके मन में किसी भी प्रकार का राग या द्वेष हो, ऐसे लोगों की संगति करने से भगवत कृपा छीन होती है।
नंबर दो संत। संत का नाम आते ही हमारे मानस पटल पर श्वेत वस्त्रधारी भगवा या केसरिया या पीले या काले वस्त्रधारी किसी मनुष्य की छवि उभर जाती है, जो कि सर्वदा गलत है। क्या हम सब नहीं जानते राजा जनक को? वह कितने उच्च कोटि के संत पुरुष थे। एक बार की बात है, जब महर्षि व्यास जी ने अपने पुत्र महात्मा सुखदेव जी को राजा जनक के पास शिक्षा ग्रहण को भेजा, तो सोचिए राजा जनक की परमात्म मार्ग में क्या स्थिति होगी। जो एक महर्षि अपने पुत्र को राजा के पास शिक्षा ग्रहण करने को भेज रहे हैं। महात्मा सुखदेव जी ने जब राजा जनक के पास पहुँचे, तब राजा जनक अपनी रानियों के साथ तालाब में स्नान कर रहे थे। महात्मा सुखदेव जी ने सोचा, मैं एक महात्मा और यह एक सांसारिक भोगलासी प्राणी, ये क्या मुझे शिक्षा देगा। तभी राजा जनक बोले, जरा पानी में हाथ डालिए। सुखदेव जी ने जैसे ही पानी में हाथ डाला, सुखदेव जी का हाथ जल गया। उसी पानी में राजा रानी स्नान कर रहे थे। तब सुखदेव जी का भ्रम टूटा। राजा जनक शब्द स्वरूपा थे, उन्हें देह और संसार की माया से कोई लगाव नहीं था, इसीलिए उनको विधेय कहा जाता है। वह मिथिला में राज भी अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे थे, इसीलिए यह भ्रम है कि संत के वस्त्रों का कोई विशेष रंग होता है। क्या हम सब नहीं जानते हमारे श्री गुरु महाराज कैसे सुंदर आधुनिक वस्त्र धारण करते थे और भंडारा प्रांगण में मंच पर बैठा करते थे। तब कैसे अद्भुत आनंद की वर्षा हुआ करती थी। क्या हम सब ने अपनी माँ जिया को नहीं देखा, कैसे साधारण श्वेत साड़ी पहना करती थी। जब सत्संग पंडाल में आकर बैठ जाया करती थी, तो सभी सत्संगीगण प्रेम सागर में डुबकियां लगाया करते थे। श्री गुरु महाराज जी ने अमृत बिंदु भाग एक पृष्ठ संख्या 145 पर लक्ष्मण रेखा का सुंदर वर्णन किया है। त्रेता युग में शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी ने माता सीता की सुरक्षा अगर कुटिया के चारों ओर जो रेखा खींची, उसे हम सब लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को हम लोग घेरा भी कह सकते हैं। यह घेरा या रेखा प्राचीन युग में ही नहीं, वर्तमान युग में भी शक्तिशाली संत अपने स्थान के चारों ओर एक मानसिक घेरा बना देते हैं। इस घेरे का प्रभाव यह होता है कि उसके अंदर बैठने वालों के ऊपर राजसी व तामसी विचार नहीं आने पाते। उनकी वृत्ति उस समय तक वहाँ शुद्ध सात्विकी रहेगी। बड़े बड़े सत्संगों के समय प्रायः महापुरुषों ने ऐसा ही किया है, इसीलिए उस स्थान पर सात्विकी आनंद की धारे बरसने लगती हैं। दूसरा विचार वहाँ उठने ही नहीं पाता। परोपकारी मनुष्य संत ही तो होते हैं। व्यक्ति जो अपने किसी फायदे के लिए किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाए, यही तो संतों की प्रवृत्ति होती है। संत तो अकारण ही दयालु होते हैं। उनकी डांट या क्रोध में भी प्राणी मात्र का कल्याण होता है। महर्षि दुर्भाषा के क्रोध को कौन नहीं जानता। देवी देवता सहित तीनों लोक के प्राणी उनके क्रोध से भयभीत रहते थे। ऋषिवर बात बात पर श्राप दे देते थे, पर उनके श्राप में भी उस व्यक्ति का कोई ना कोई कल्याण होता ही था। महर्षि परशुराम अति क्रोधी महासंत थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जब कर्ण को दी हुई शिक्षा को भूल जाने का श्राप दिया, तो उसने भी कर्ण का उद्धार था। महाभारत की युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई, तो भगवान कृष्ण के सामने मृत्यु होने की
वजह से सीधे भगवान के चरणों में जगह मिली। अगर शिक्षा भूल जाने का श्राप ना दिया होता तो कर्ण अर्जुन का वध कर देता और फिर अपनी मुक्ति के लिए विभिन्न योनियों में भटकता रहता। पापी का साथ देना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना स्वयं पाप करना। इसीलिए सभी साधक बंधुओं को हमेशा सदगुरु जी सलाह देते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सोबत और संगत से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही प्रथम अध्याय संतों जय गुरुदेव। अध्याय 2, महापुरुष कब कहाँ और कैसे जन्म लेते हैं। यह स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और पांचवा आकाश तत्व। पहला पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को जड़ जगत कहा जाता है और प्रकट शरीर इसी से बना है। इसमें जान तभी आती है जब सभी तत्व भी आ जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ है ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। दूसरा जल तत्व। जिस प्रकार पृथ्वी पर 70% जल भाग उपस्थित है ऐसे ही हमारे शरीर में भी 70% जल भाग उपस्थित है। जितने भी तरल पदार्थ शरीर में उपस्थित हैं वह सब जल तत्व हैं। तीसरा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से ही जल तत्व की उत्पत्ति मानी गई है। अग्नि तत्व को ही ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। यही ऊर्जा खाने को पचाकर शरीर को बल प्रदान करती है। इसी ऊर्जा से शरीर चलायमान रहता है। चौथा वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जितना प्राण है वह सब वायु तत्व है। पांचवा आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी जल अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। आकाश तत्व एक अभौतिक रूप में मन है, इसीलिए इसे महसूस करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आकाश अनंत है मन ही अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश में जैसे कभी बादल कभी धूल कभी बिल्कुल साफ होता है ऐसे ही मन भी कभी अशांत कभी सुखी कभी दुखी होता है। ये मन आकाश तत्व है जो शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो स्थूल शरीर जो जगत में दिखाई पड़ता है वह इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। पर इन पंच तत्वों के ऊपर भी एक ओम तत्व होता है जिसे आत्मा कहते हैं, जिसके होने से सभी पंच तत्व अपना कार्य भलीभांति करते हैं। इनमें से किसी एक तत्व का निकल जाने से बाकी सभी तत्व भी अपने आप निकल जाते हैं और शरीर निर्जीव हो जाता है। यह तो बात हुई स्थूल शरीर की। अब बात करते हैं महापुरुष कब कहाँ और कैसे जन्म लेते हैं। पहली बात, महापुरुष कब जन्म लेते हैं। पृथ्वी लोक में जब धर्म का लोप होने लगता है तब तब संत महात्मा महापुरुष और अवतार पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करके दुखी मनुष्यों को ईश्वरी मार्ग पर दिखला जाते हैं। महापुरुष कहाँ जन्म लेते हैं। महापुरुष किसी दिव्य आत्मा की ही कोख में जन्म लेते हैं जिन्होंने सैकड़ों जन्म तपस्या की होती है। उस
दंपत्य ने उस ईश्वर को खुश करके किसी जन्म में वरदान पाया होगा, तब जाकर कोई दिव्य आत्मा किसी गर्व से जन्म लेती है। ऐसे ही एक महापुरुष लाला रामप्रसाद जी, जो कि ग्राम चमकरी जिला एटा में रहा करते थे, आपके पूर्वजों की क्षेत्र में अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। यवन काल में आपके पूर्वजों को बड़ी जायदाद मिली थी। आप बड़े ही धर्म कर्म वाले और विद्वान तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। वर्ष में अधिकतर दिनों में कथावार्ता चला करती थी। वर्ष 1883 नवंबर मास की 3 तारीख आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। आपके घर पुत्र का जन्म हुआ। रायबरेली वाले दादाजी जनाब हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नसीराबादी कहा करते थे, इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जो उस कारण के मार्ग पर चलता है, मतलब कि ईश्वर की राजी में रहता है, वह एक महान व्यक्तित्व को प्राप्त करता है और परम शांति धाम में निवास करता है, वरना तो संसार दुखों का सागर है। ऐसे ही महापुरुष ने लाला श्री रामप्रसाद कुलश्रेष्ठ जी के घर में जन्म 3 नवंबर 1883 को लिया, जो दीन दुखियों के दुख दर्द को मिटाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। आज वर्ष 2022 में दुनिया का शायद ऐसा कोई कोना छूटा होगा जहां इनके नाम का डंका नहीं बज रहा होगा। श्री लाला जी साहब ने कभी शायद सोचा नहीं होगा उनका पुत्र एक दिन दुनिया में उनका नाम रोशन करेगा। ऐसे पुत्र को पाकर हर माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हर एक पुत्र पुत्री को हमेशा गुरु महाराज जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे अपने जीवन को भी आदर्श बना सकें। श्रीमान बड़े दादाजी जनाब हजरत मौलाना फजल अहमद खां हुजूर महाराज साहब कहते थे, डॉक्टर चतुर्भुज सहाय साहब ने तो आध्यात्म में PhD कर रखी है। घर के वातावरण का किसी भी शिशु के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वही अपने श्री गुरु महाराज जी के जीवन में बराबर दिखाई पड़ता था। श्री गुरु महाराज जी के पिता जी वर्षा ऋतु में बराबर श्रीमद् भागवत या किसी पुराण उपनिषद की कथा होती रहती थी। इस वास्ते गर्भकाल में भी धर्म आपके संस्कारों में घर कर गया था। गुरु महाराज जी के जन्म पत्र को देखकर पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी, लाला जी आपका पुत्र तो बड़ा होकर उच्च कोटि का महापुरुष बनेगा और दीन दुखियों के दुख को दूर करेगा। पंडित जी के मुख से अपने पुत्र के लिए ऐसी भविष्यवाणी सुनकर लाला श्री रामप्रसाद जी की खुशी से फूले न समा रहे थे और अपने लाल को गोदी में लेकर चूमने लगे। आज उन पंडित जी महाराज की कही बात सच हो गई, लाखों लाख दीन दुखी और अनुयायी उनकी एक झलक पाने के लिए दीवानों की तरह लालायत रहते हैं। इसीलिए तो हमने ऊपर लिखा, जीवन ऐसा हो जैसा अपने परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी का था। बचपन में श्री गुरु महाराज जी को धार्मिक कहानी और कथा सुनना बहुत पसंद था। धार्मिक स्थल पर बहुत नज़दीक जाकर बैठा करते थे और बड़े ध्यान से कथा और कहानी सुना करते थे, जिसकी झलक
उनकी लेखनी में खूब मिलती है। एकांत प्रिय और शांत स्वभाव के साथ मनमोहक छवि के धनी बालक थे। धार्मिक कथा और कहानी सुनकर अध्याय 3 माँ का साथ और शिक्षा। दुनिया में अगर कहीं सच्चा प्रेम है तो वह सिर्फ माँ का आंचल ही है, जहाँ पर छिपकर बच्चा दुनिया की हर एक मुसीबत से अपने को महफूज जानता है। फिर माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला भी होती है। माँ और पापा ही सबसे पहले शब्द होते हैं किसी भी बच्चे के मुख से निकलने वाले, जिन्हें बच्चे को माँ सिखाती है। इसीलिए माँ को प्रथम पाठशाला कहते हैं। बच्चे को संस्कार भी माँ ही देती है। फिर माँ अगर बाल्यकाल में ही बच्चे को अकेला छोड़कर परम धाम चली जाए तो उस बच्चे के मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात तो वह बालक ही बेहतर जान सकेगा जो मातृत्व प्रेम से वंचित हो गया। घर सब प्रकार से समृद्धशाली हो, पर घर में माँ ना हो तो घर किसी शमशान से कम नहीं लगता। बच्चे का सच्चा ईश्वर तो माता ही होती है। बच्चे की माता ही तो बचपन में धार्मिक प्रेरणा का स्रोत होती है। जैसे अपने दादा गुरु जी की माँ उनको रामायण और गीता सुनाया करती थी, वैसे ही गुरु महाराज की माँ भी उनको रामायण, गीता और धार्मिक कहानियाँ सुनाया करती थी। पर ईश्वर को शायद यह मंजूर ना था। तभी तो सिर्फ 4 वर्ष की आयु में ही गुरु महाराज जी की माँ को अपने पास बुला लिया। यहाँ पर साधक बंधुओं को जानकारी देना आवश्यक है कि अपने गुरु महाराज जी और परम पूज्य पंडित जी महाराज जी दोनों की माँ 4 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चली गई थी और अपने दादा गुरु जी की माँ 7 वर्ष की आयु में छोड़कर परम धाम को चली गई। साथियों, रामस्वरण भजन माला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने अपने चैनल पर परम पूज्य परम भागवत जी की जीवन यात्रा, परम पूज्य देवता जी की यश गाथा के नाम से अपने चैनल पर डाली है। श्री गुरु महाराज जी की जीवन यात्रा दिव्य पुरुष डॉक्टर चक्रवर्ती राय जी के नाम से डाली और ठाकुर राम सिंह जी थानेदार साहब की जीवन यात्रा कोयले की खदान में हीरा मिला शीर्षक से डाली है। आप सभी लोग ये सुन सकते हैं। साथ ही हमने अपने चैनल पर बहुत ही चुनिंदा भजन डाले हैं, जैसे रे मन चलिए गुण के दुआरे, तेरे कदमों की डोर मिल जाए, गुरुदेव दया करके, और भी इस तरह के कई अच्छे भजन डाले हैं। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी, तो जब भी अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। श्री गुरु महाराज जी की माँ के स्वर्गवास के बाद उनकी भावी माँ ने उनका लालन पालन किया और उनको उच्च आदर्श जीवन के संस्कार ना प्रदान किए होते तो हम शायद इस आनंद गंगा में डुबकियां ना लगा रहे होते। इसीलिए उन भावी माँ को प्रणाम के साथ साथ चरण वंदन करना अति आवश्यक हो जाता है। जो लोग अपनी भाभी पर गलत नजर या द्वेष रखते हैं उनको श्री गुरु महाराज जी से भाभी माँ के लिए आदर्श विचार सीखने चाहिए। वही तो थी जिन्होंने हमें वह वृक्ष तैयार करके दिया जिसकी शीतल छाया में आज रामाश्रम सत्संग फल फूल रहा है। क्या यह बात हम भूल सकते हैं? कदापि नहीं। यह भारत भूमि तो आदिकाल से ही आध्यात्म की जननी रही है। महर्षि परशुराम, महर्षि वाल्मीकि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे ऋषि हुए, उसी क्रम में हमारे श्री गुरु महाराज जी भी हुए जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ से जो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया उसे दुनिया के हर क्षेत्र में भरपूर फैलाया। मनुष्य की संतप्त दशा देख उनकी करुणा उमड़ आई और उन्होंने मानव मात्र को उसके आंतरिक बंधनों से मुक्त कर शांति प्रदान करने की ठानी। उनका कहना था कि पहले तुम अपने अंतकरण को शुद्ध करो, इसके शुद्ध होते ही तुम्हें उज्जवल ज्ञान मिलेगा जिसके प्रकाश में तुम अपने दुखों को जानोगे और उनसे छूटने का प्रबंध भी स्वयं कर सकोगे। इसके लिए नित्य कुछ देर प्रभु की समीपता करो, 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर उनसे शक्ति प्राप्त करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे तो स्वयं शक्तिवान नहीं हो सकोगे। शक्ति मिलते ही तुम में निर्भयता आएगी जिससे अत्याचारों से स्वयं बच सकोगे और दूसरों को भी बचा सकोगे। आपने बताया मनुष्य में ज्ञान और बल सीमित है, इस वजह से तुम हार भी सकते हो, परंतु भगवान तो ज्ञान के निधान है, वह अनंत बलवान है। जो कोई उनसे मिलेगा उनका सहारा लेगा अनंत बलशाली हो जाएगा और अनंत ज्ञान का भंडार बन जाएगा। इसलिए साथ मिलकर कुछ देर प्रभु में विलीन हो जाओ, अपना अस्तित्व प्रभु में विलीन कर दो, फिर देखो कि विश्व में कौन तुम्हारा सामना कर सकता है। शिक्षा, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला तो उसका घर ही होता है। गुरु महाराज जी ने भी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही ली। उस जमाने में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का बोलबाला था, इसलिए एक मौलवी साहब को पढ़ाने के लिए पिताजी ने नियुक्त कर दिया था। स्वभाव के अनुसार आपको हिंदी और संस्कृत में अधिक रुचि थी, इसीलिए उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। समय के साथ संस्कृत का ज्ञान और बढ़ता गया। प्राथमिक शिक्षा के बाद आपका दाखिला एटा हाई स्कूल में करा दिया गया, जहाँ पर आपने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद आपको जिज्ञासा हुई किसी प्रकार देश का भला किया जाए। गुलामी का दौर था, विदेशी शासन ने देश की जनता को अनपढ़, मूर्ख और अविवेकी बना दिया था। शिक्षा के अभाव में
पाठशाला तो सिर्फ नाम मात्र को ही थी, और जो पाठशाला थी वह अंग्रेजी या अरबी, उर्दू और फारसी की थी। हिंदी और संस्कृत को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में कोई कमी नहीं की गई, हर संभव प्रयास किया गया था। आज जो लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, उनको लाखों करोड़ों वीर शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने 10वीं शताब्दी में अरबियों से लेकर अंग्रेजों से लड़कर अपने प्राणों की आहुतियां दी। जब उनकी कुर्बानी छोटी दिखने लगे तब हिंदू होने पर शर्म और अंग्रेजी बोलने पर गर्व महसूस करना। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, उसका कोई विरोध नहीं, विरोध तो हिंदू होने पर शर्म महसूस करने का है। दादा गुरु जी के समय का एक दृष्टांत याद आ गया, शायद आप सभी को अच्छा लगेगा। अपने दादाजी के गुरु तो मुस्लिम समुदाय के महान सूफी संत थे, हजरत जनाब मौलाना शाह फजल अहमद खान नाम था। अपने दादाजी ने तो अपने को बड़े दादाजी फजल अहमद खान साहब में फना कर दिया था। उनकी सोच थी मैं अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने गुरु जैसा ही हो जाऊं। गुलामी का दौर तो था ही, अंग्रेजों के साथ मुस्लिम कट्टरपंथी भी हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हीं कट्टरपंथियों को दादाजी का बड़े दादाजी के पास आना पसंद नहीं था। दादाजी बड़े दादाजी के अति प्रिय शिष्य थे, दोनों में पिता पुत्र का संबंध था। बड़े दादाजी दादाजी को पुतलाल कहकर ही बुलाया करते थे। एक बार किसी कट्टरपंथी ने दादाजी से कहा, जब तक धर्म नहीं बदलोगे तब तक रूहानी ताकतों में तरक्की नहीं कर पाओगे, तुमको धर्म बदल लेना चाहिए। दादाजी ने जाकर बड़े दादाजी से कहा, हुजूर अगर आपका आदेश हो तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूं, मैं वैसे ही आपका ही हो चुका हूं, मैं पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लेता हूं। अभी बात पूरी हो भी नहीं पाई थी कि बड़े दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने पूछा, तुमसे ये बात किसने कही? अपने दादाजी सीधे तो थे ही, स्वभाव से भी भोले इंसान थे, छल कपट न जानते थे न समझते थे। उन्होंने उन साहिबान का नाम बता दिया। बड़े दादाजी का गुस्सा काबू के बाहर था। ये बातें सुनकर उन्होंने वहीं से उन साहब को जोर से आवाज लगाई और बुलाकर जोर से डांटा। बोले, यही सीखने आते हो हमारे पास, जाओ आज के बाद दोबारा अपने शक्ल मत दिखाना। उसके बाद दादाजी को समझाते हुए बोले, बेटा पुतुलाल, तुमने जिस धर्म में जन्म लिया है सबसे पहले तो उस धर्म पर गर्व करना सीखो, उसके बाद उसी धर्म की रीति रिवाज से जीवन यापन करो। रही बात रूहानी ताकतों की, यह तो आध्यात्म विद्या है जो एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचती है, इसमें धर्म बाधक नहीं है। सच्चे और समर्थ गुरु की यही पहचान होती है, उनके लिए धर्म और मजहब की दीवारें होती ही नहीं है, वह तो समाज का कल्याण करने आते हैं फिर संसार से पर्दा कर लेते हैं और फिर अदृश्य रूप से अपने अनुयायियों तक शक्ति पहुंचाते रहते हैं और उनका कल्याण करते रहते हैं। इतने महान दृष्टांत के बाद मैं हिंदू होने पर गर्व महसूस ना हो तो फिर वही सोचें कैसे और किस धर्म में जन्म लेना पर गर्व हुआ। अब कहानी में आगे चलते हैं। सहस्त्रों वर्षों से पराधीन रहने के कारण लोग भयभीत और बलहीन हो गए थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था। परम पूज्य
पंडित जी महाराज लिखते हैं, अंग्रेजों का शासन इतना कड़ा और भयंकर था कि कोई चू भी नहीं कर सकता था। अविद्या के कारण हिंदू मुसलमान में नित्य झगड़ा हुआ करता था। सब दुखी थे। देश की ऐसी दुखमय दशा को देखकर गुरु महाराज जी का हृदय भर आया और इससे बचने का उपाय सोचने लगे। यह विचार हृदय में तरंगे ले रहे अध्याय 4 गुरु महिमा। परम पूज्य परम भगवत अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे, उन सद्गुरु की महिमा कौन कह सकता है कि जिनके दर्शन मात्र से ही जीव भव बंधन से मुक्त हो, आनंद के सुंदर सुदेश में विश्राम पाता है। उनके भावपूर्ण उपदेश संसार के तृप्त जीवों के लिए अमृत वर्षा का कार्य करते हैं और अनेक जन्मों की कालिमा को प्रकाश के रूप में बदल देते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जिन्हें जीवन में गुरु दर्शन प्राप्त हुआ। वह तो महान ही धन्य हैं जिन्होंने अपने गुरु के पद्म रूपी चरणों की धूल पराग अपने मस्तिष्क पर धारण कर ली। श्री चरणों की उस रज का महत्व किसी किसी ने ही जान पाया है। संसार में कौन सुख नहीं चाहता, कौन इस जीवन का आनंद नहीं चाहता, कौन इस पुनः पुनः प्राप्त होने वाली जन्म मृत्यु घात प्रतिघात सुख दुख आदि का मर्म सुख दुख आदि की मर्म भेदी पीड़ा से छुटकारा नहीं चाहता। परंतु कैसा दुख है कि नेत्र होते हुए भी हम देख नहीं पाते, ज्ञान होते हुए भी हम समझ नहीं पाते और श्रवण होते हुए भी आनंद की उस मधुर वाणी को सुन नहीं पाते। संत कहते हैं, अरे आत्मा के प्रिय पुत्र, तू दुखी क्यों हो रहा है? यह मृत्यु नहीं है, कंगाली नहीं है और यह अनंत दुख जिन्हें तू सहते सहते दुखी हो रहा है कुछ भी नहीं है। अब तू थोड़ा शांत होकर सुन, उस सत्य की कैसी विजय छनकार आ रही है और उसी सत्य के शुभ प्रकाश ने दिगमंडल को कैसा उद्भाषित कर रखा है। यहाँ ना कहीं कलेश है ना कष्ट। वसुंधरा ने इसी सत्य के नाद से जड़त्व का परित्याग कर दिया है। वायु ने अपने अंतर से सत्य की तरंगों को प्रवाहित करना प्रारंभ कर दिया है। पुत्र, तुम बहुत समय सोए और उसी में यह दुख रूपी स्वप्नों का घात सहन करते रहे। अब जागो और एक क्षण मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे लिए उस आनंदमय माँ का शुभ संदेश लाया हूँ। क्योंकि तुम मातृहीन नहीं हो, पितृहीन नहीं हो और उस अनंत आत्मा रूप गुरु से भी हीन नहीं हो। तुम्हारे लिए यह संसार सर्वमंगलमय है। हाँ, एक क्षण इधर देखो तो। संतों की वाणी। संतों की वाणी में आनंद है क्योंकि वाणी ही तो उनका सूक्ष्म शरीर होती है। अगर आपने संत के शरीर के दर्शन नहीं किए तो उनकी वाणी का ही स्मरण करो, वही आपका कल्याण कर देगी। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ ही में है, जाग सके तो जान। श्री कबीरदास जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी ईश्वर विद्यमान होता है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो,
सत्य ही तो लिखा है श्री कबीर दास जी ने, हम सबके अंदर ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, तभी तो हमारा शरीर शरायमान है। जो अपने अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व को जागृत कर लेता है वह संत की श्रेणी में पहुंच जाता है, क्योंकि जब ईश्वरीय गुण जागृत होते हैं तब मनुष्य के अंदर विषय और विकार ईश्वरीय प्रकाश में जल कर नष्ट हो जाते हैं। फिर वह मनुष्य संसार में रहकर संसार के सारे काम करते हुए भी संसार से विरक्त हो जाता है, यह संत का गुण होता है। यही बात है पंडितों के ज्ञान मंडित भाषण में वह आनंद नहीं आता जो सीधे साधे संतों की साधारण बातचीत में आता है। यह ठीक समझो कि ईश्वर की कृपा ही संत का दर्शन और ईश्वर की देन ही संत का संग है। संत और भगवंत कहते हैं, संत और भगवंत में भेद नहीं, भगवंत के गुण संत ही बता सकते हैं, इसीलिए संत ही सच्चे गुरु हैं। उन्हीं के शब्द तो हमें मोह की महान अंधेरी रात्रि में उज्जवल प्रकाश का काम देते हैं। महामोह तम पुंज चासु वचन रविकर लेकर, यह ध्रुव सत्य है कि जैसे माता के बिना संसार में प्राणी आ नहीं सकता, इसी प्रकार बिना गुरु के इस महान संसार से पार भी नहीं जा सकता, चाहे वह करोड़ों जन्म धारण करे। यह ठीक ही कहा गया है, गुरु से बढ़कर संसार में कोई तत्व नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। श्री गुरु को इतना महत्व देने का कारण यही है कि गुरु से ही परम ज्ञान की उपलब्धि होती है। जिस ज्ञान की विशेषता को शास्त्रकारों ने ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म साक्षात्कार का मुख्य कारण माना है, वह उत्कृष्ट ज्ञान गुरु के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों का यह निचोड़ है कि मानव मात्र के परम कल्याण का साक्षात साधन केवल ज्ञान है। वह परम ज्ञान बिना गुरु की कृपा के कहीं दूसरे स्थान से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु की प्राप्ति कैसे? परम पूज्य परम भागवत अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे, क्या ऐसे महान गुरु अपने पुरुषार्थ या संस्कार से मिल सकते हैं? नहीं, ऐसा कदापि मत कहना, वह तो इसके लिए आते ही है। अपना भाग्य या संस्कार कुछ भी नहीं। क्या उस पाषाण मूर्ति का जो आज मंदिर में पूजी जा रही है कोई अपना संस्कार था? नहीं, वह टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की एक शिला थी, बस एक दक्ष कारीगर ने उसे सुंदर देवता का रूप देकर मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया और लोग दर्शन को आने लगे। क्या ऐसे गुरुओं को कहीं ढूंढने जाओगे? फिर क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे उनकी परख कर सकोगे? अरे, किसी की परख तो वही कर सकता है जो उस ज्ञान में उसकी क्षमता रखता हो। मूर्ख को ज्ञानी की परख कैसी? यहाँ कोई प्रयत्न काम नहीं देगा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा ईश्वर की ओर देखना होगा। कारण कि यह संसार उस महान प्रभु की रचना है, वह सबका पिता है, वही सबकी माता है। जिस प्रकार घर में पुत्र के रोते ही माँ दौड़कर पुत्र के पास आती है, बस वैसे ही जब उसके पुत्र यानी जीव दुखी होते हैं तब वह अवश्य आते हैं। प्रभु ने सबके लिए पूर्ण सुविधा दे रखी है, सच्चा मार्ग बता दिया है, उस पर चलने से सबको आनंद मिलेगा। परंतु जब लोग उस मार्ग को त्याग अपने मन का मार्ग बनाने लगते हैं तो भटक जाते हैं और दुख उठाने लगते हैं। तुम जानते हो सत्य एक ही है, वही धर्म है। जब प्राणी सत्य मार्ग को त्याग देता है
असत्य की ओर जाएगा अर्थात सही और सुंदर मार्ग से विमुख होगा, बस वही दुख का कारण बन जाएगा। सत्य मार्ग से अलग होना ही अधर्म पर चलना है। अतः जब जब लोग धर्म को भूल जाते हैं और अधर्म पर चलने लगते हैं और अधर्म पर चलने से दुखी होते हैं, तो भगवान ही किसी मानव शरीर में आकर फिर धर्म का ज्ञान करा जाते हैं, वही अवतार कहलाते हैं और उन्हीं को हम लोग संत या सद्गुरु कहते हैं। इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त। अगला अध्याय श्री गुरु महाराज जी के समय, देशकाल और वातावरण कुछ ही समय में अपलोड होगा। तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। अध्याय 5 श्री गुरु महाराज जी के समय, देशकाल और वातावरण। श्री गुरु महाराज जी के समय देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय विद्या अविद्या और ज्ञान अज्ञान बन गया था। इसलिए ज्ञानी सुख को त्याग दुख के सरोवर के किनारे खड़ा हो गया था। आज का मनुष्य भले ही विज्ञान की चकाचौंध में कुछ क्षण को सुख अनुभव कर ले, परंतु वास्तव में वह दुख के उस किनारे पर खड़ा हुआ है जहाँ से सुख नाम की कोई छाया भी नज़र नहीं आती। यह दुख सब मृत तृष्णा के सुख हैं। हम उन्हें भले ही ना जाने, परंतु संतजन जानते हैं, इसीलिए उनसे बचने का उपदेश देते हैं और समय का धर्म बताते हैं। तुम कहोगे धर्म क्यों जाता है, पर वास्तविकता यह है कि धर्म नहीं बदलता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु हमारे ही विचार धीरे धीरे मलिन होते जाते हैं और धर्म का मर्म जानने में असमर्थ होते जाते हैं। परम पूज्य पंडित जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी जैसे संत प्राय 100 वर्ष बाद कभी कभी दुखियों के दुख दूर करने के लिए आते हैं। जब देश में चारों तरफ हाहाकार और प्रजा पर दुखों के पहाड़ टूटते हैं और उन दुखों को प्रजा तो क्या राजा भी अक्षम हो जाता है, तब बीच बीच में भी इनकी कृपा होती रहती है। आज का समय भी ऐसा ही है, इसीलिए ऐसे संतों के दर्शन प्राय बराबर होते रहते हैं। गुलामी का समय था, देश महान संकटों में घिरा था, परतंत्रता में कितना कष्ट था, वह तो स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेने से पता चला होगा। हमें क्या पता परतंत्रता क्या होती है, हमने तो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, इसीलिए हमारी डिमांड ज़्यादा है। पर कभी यह नहीं सोचा होगा कि हमने देश को क्या दिया है जो इतनी डिमांड किए हुए हैं। एक बार उस परतंत्रता को याद कर लेते तो आज इतनी डिमांड नहीं होती। उस समय ना अपना धर्म था ना ईमान, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों का मुंह तकना पड़ता था। जो देश कभी सोने की चिड़िया था उसे लुटेरों ने तब तक लूटा जब तक देश में दरिद्रता और बदहाली नहीं हो गई, और बदहाली भी उस स्तर पर पहुंच गई जहां लोग वस्त्र विहीन, अन्न विहीन और तो और सोच विहीन भी हो गए थे। तब देश की इस दर्दनाक और भयानक संकट से मुक्त कराने के लिए कई संत महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए जन्म लिए। संत महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी संभवतः एक ही लोक के प्राणी रहे होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो यातनाएं झेली
उनको सहन करने की शक्ति इन्हीं संत महापुरुषों से प्राप्त हुआ करती थी। उस समय संतों ने देखा कि देश की प्रजा तो विवेक शून्य हो चुकी है, इसे फिर कैसे जागृत किया जाए जिससे वह अपने को हे न समझें और अपनी शक्तियों को पहचान सकें। इसके लिए संतों ने प्रजा को अंतर की प्रेरणा देना शुरू कर दिया, जिससे वह स्वावलंबी बनकर अपना और देश का कल्याण कर सके। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वह दूसरों के दुखों को देखकर बहुत ही जल्दी पिघल जाता है और अंतर ही अंतर में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो इन दुखों से सबको मुक्त करूंगा या आजीवन मैं भी इन दुखों में ही झुलसता रहूंगा। इसी परतंत्रता के समय देश में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी श्री डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी एक दिव्य आत्मा नर शरीर धारण कर इस धरा पर आए। परतंत्रता के दौर में प्राणियों के दुखी दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा उमर आई। तब श्री गुरु महाराज जी ने मन ही मन ठान लिया, मैं मनुष्यों के आंतरिक बंधनों से मुक्त कर शांति प्रदान करूंगा। श्री गुरु महाराज जी कहा करते थे कि पहले तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, उसके शुद्ध होते ही तुम्हें उज्जवल ज्ञान मिलेगा जिसके प्रकाश में तुम अपने दुखों को जानोगे और उनसे छूटने का प्रबंध भी स्वयं कर सकोगे। इसके लिए नित्य कुछ देर प्रभु की समीपता साथियों, आज हम अपने श्री गुरु महाराज जी के जीवन यात्रा की अध्याय 6 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अध्याय 6 सद्गुरु का प्रथम दर्शन। पिछला अध्याय था अध्याय 5 गुरु महाराज जी के समय देश काल और वातावरण। अब छठवां अध्याय है सद्गुरु का प्रथम दर्शन। हम आज आपको अपने जीवन की बात बताते हैं। हमारा परिवार सुखावाद में श्री गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त परम सेवक गुरु लीन चौधरी श्री पाल सिंह जी से जुड़ा था। माँ और पापा तथा सुखावाद के सभी सत्संगीगण उनको चाचा जी कहकर पुकारते थे। हमारी माँ ने चाचा जी के लिए हम सभी भाई बहनों के मन में ऐसा प्रेम जागृत किया था कि वह आज भी दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। परम पूज्य चाचा जी महाराज से यही विनम्र प्रार्थना और अनुनय विनय है, वह अपने हम सब बच्चों पर जो भी यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं उन पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें कि हम सब बच्चे श्री गुरु महाराज जी के बताए रास्ते पर आपके साथ
चलते रहे। बात उस समय की है जब मेरी आयु करीब 6-7 वर्ष होगी। सुबह स्कूल जाते समय माँ ने बताया कि आज शाम को चाचा जी अपने घर आएंगे। बालक हर्ष से प्रफुल्लित हो गया। सच में माँ, चाचा जी आज अपने घर आने वाले हैं? माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा। फिर स्कूल में मन ही नहीं लगा, बस ऐसा लगता था कब स्कूल की छुट्टी होगी। जब घर आ गए सारे दोपहर छत पर ही खड़े रहे देखने को। पहले तो पापा को तहसील से आना था, मेरे पापा सुगावाद में लॉयर हैं। फिर वह चाचा जी को लेने उनके घर जाएंगे। दोपहर के करीब 3:30 बजे पापा तहसील से आए। ये बातें ऐसे याद हैं जैसे कल ही की बात हूँ। फिर पापा जी चाचा जी को लेने उनके घर चले गए। करीब 4:30 या 5:45 का समय रहा होगा जब मैंने छत से उनको अपनी गली में आते देखा। चाचा जी समय के बहुत पाबंद थे। आप लेट हो सकते हो पर चाचा जी कभी लेट नहीं होते थे। जब मैंने चाचा जी को अपनी गली में आते देखा तो ऐसा उत्साहित हो गया कि सीढ़ियों से नीचे दौड़ लगा दी। एक चप्पल सीढ़ी के पास, दूसरी चप्पल किचन के दरवाजे पर। माँ जो कि स्टोव पर कढ़ाई में पूड़ियाँ सेक रही थी। स्पीड इतनी तेज थी कि मैं सीधे तेल की गर्म कढ़ाई पर जा गिरा। सारा तेल फैल गया, पर कमाल की बात यह थी कि एक बूंद भी न मेरे ऊपर न तो माँ के ऊपर गिरी। हम दोनों एकदम सुरक्षित थे। तभी तो कबीर साहब ने कहा था, सात समुद्र की मसीह करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरु गुड़ लिखा न जाए। कबीरदास जी ने यह दोहा लिखा था अपने गुरु के लिए, जिसका अर्थ था, सात महासागरों की के पानी की सिहाई बना लूं, जितने भी वन हैं उन सबको कलम बना लूं और सारी धरती को कागज बना लूं, फिर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। गुरु तो ज्ञान का अनंत सागर होते हैं, उनके गुणों को कोई नहीं लिख सकता। यह शायद कोई ईश्वरी नियम ही है कि जो प्राणी जिसमें लगा रहता है भगवान उसे पूरा कर भी देते हैं। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी के साथ भी हो गया। श्री गुरु महाराज जी बचपन से ही शांत स्वभाव और धर्म कर्म में विशेष रुचि रखते थे। गुरु महाराज हमेशा यही सोचा करते थे कि मनुष्य ऐसी उलझनों में क्यों है, सब कुछ होते हुए भी उसे शांति क्यों नहीं मिलती। संतों के जीवन व उनकी सोबत से आपको यह पता तो लग ही गया था कि शांति धन दौलत वैभव और इस भौतिक जगत की शिक्षा में नहीं है। अगर वास्तव में शांति पाना चाहते हो तो फिर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। वही शांति के परम धाम है और भगवान के घर में शरण भी तब मिलेगी जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा, और आत्मज्ञान के लिए किसी समर्थ सदगुरु के चरण पकड़ने पड़ेंगे। सदगुरु बिना बताए कितने भी ग्रंथ क्यों ना पढ़ लो, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति सभी ग्रंथ कंठस्थ तो कर लेता है और ज्ञानी भी कहलाने लगता है, कथा भागवत भी ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठ कर कहने लगता है, पर आप यह नहीं कह सकते कि वह आत्मज्ञानी है। ज्ञानी होना और बात है, आत्मज्ञानी होना दूसरी बात है। इसलिए अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो किसी सिद्ध संत के पास जाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, वह आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताएंगे। ऐसा ही
अपने श्री गुरु महाराज जी ने भी किया था। गुरु महाराज जी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि तो थी। उनकी ननिहाल फतेहगढ़ में गंगा जी के पास थी। ननिहाल आना जाना तो गुरु महाराज जी का रहता ही था, तो गंगा जी के पास संत महात्माओं का रहना स्वाभाविक ही है। गंगा जी के तट पर गुरु महाराज जी नेति धोती प्राणायाम भिक्षु किया करते थे, परंतु इसका सिर्फ शारीरिक लाभ हुआ और कुछ नहीं। तब आपने सोचा, जब तक मन को निर्मल नहीं किया जाए और मन के ठहराव होने की भी अधिक आवश्यकता है, जब तक यह नहीं होगा तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। शुद्ध मन पर ही उस निर्विकारी आत्मा का बिंब पड़ सकता है, अशुद्ध और चंचल पर नहीं। बस यह सब क्रियाएं त्याग दिन रात सदगुरु की तलाश में रहने लगी। गुरु की याद का नशा तो उसे पूछो जो उस याद से कभी खाली ना रहा हो, या फिर उस शराबी से पूछो जिसे हर पल शराब की तलब होती है। गुरु याद का नशा ऐसा ही होना चाहिए। जब याद छाने लगे तो फिर दूसरी कोई बात अच्छी लगनी नहीं चाहिए। पूज्य चौधरी साहब ने लिखा, तेरा गम मिला है जब से यह बात हो गई है, तेरा गम मिला है जब से यह बात हो गई है, जो तेरी खुशी है मुझको वह हयात हो गई है। वह बदल गया है जो था मेरी जिंदगी का आलम, जो न चाहते थे आखिर वही बात हो गई है। जब मनुष्य पर प्रभु ग्रह की ज्वाला भड़क उठती है, तब इस प्रकार के विचार मन में उठने ही लगते हैं। अरे, जब किसी भूखे व्यक्ति को भूख लगती है तो क्या यह भूख धन दौलत से मिट सकती है? जिस व्यक्ति के अंदर घोर अशांति ने अपना निवास बना लिया हो, फिर क्या धन या दौलत उस अशांति को शांति में बदल सकती है? जब वह व्यक्ति शांति चाहने लगता है तो फिर उस शांति के लिए वह राजपाट धन दौलत माता पिता पुत्र पुत्री सगे संबंधी सभी को त्याग कर प्रभु मिलन के लिए आतुर होने लगता है। जब प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है फिर वह शांत होने लगता है। जिस व्यक्ति पर यह अवस्था नहीं आई उसे इस अवस्था का कैसा भाग? इसलिए तो कहते हैं, जिसके लगती है वही उस दर्द को जानता है। देखने वाले के लिए तो यह सिर्फ नाटक मात्र है। इस विलय अग्नि को बुझाने के लिए यह साधारण पानी काम नहीं आता, उसे तो वह व्यक्ति या उसका अंतर्यामी ही जानता है, तीसरा कोई नहीं जान सकता। यह सार्वभौमिक सत्य है। इस जगत का प्रत्येक प्राणी किसी अति सूक्ष्म कली से अवश्य जुड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फल वृक्ष से किसी नाल द्वारा जुड़ा रहता है, इसी नाल के द्वारा फल को वृक्ष का रस मिलता रहता है, ऐसे ही प्राणी भी ईश्वर से मिलकर सदैव उसका रस लेता रहता है। यही उसका अंतर आत्मा कहलाता है। प्रभु इन अनंत जीवों के एक केंद्र हैं। प्राणी जो मन ही मन प्रार्थना या भावना करता है, प्रभु उसे सुन भी लेते हैं और पूरा भी कर देते हैं। यह सब कब संभव है? जब सच्चे मन से प्रार्थना हो। यह केवल वाणी की प्रार्थना से संभव नहीं है। यह भी जरूरी नहीं कि अंतःकरण की प्रार्थना सिर्फ मनुष्य ही करते हैं। यह मानसिक प्रार्थना प्रभु से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं, और प्रभु उनकी प्रार्थना भी मनुष्य की तरह ही सुनते हैं। कभी कभी इंसान से भी ज़्यादा इनकी सुनते हैं, क्योंकि उनकी शरणागत होकर उन्हें पुकारते हैं। मनुष्य परमात्मा का अगर समझदार पुत्र है तो वन्य जीव उनके नासमझ और खोटे बालक हैं।
गुरु दर्शन की कहानी श्री गुरु महाराज जी की जुबानी। इस आध्यात्मिक जंजाल में पढ़ने से पहले मैं एक मस्त मौला आदमी था। अच्छा खाता, अच्छा पीता, ऐसी जिंदगी बसर करना मेरे जीवन का ध्येय था। जवानी की उम्र थी, खेलकूद गप्पबाजी करना खूब पसंद था। जरूरत के लिए पैसा मिल जाता था, इसलिए ना तो खर्चे की परवाह थी और ना कोई दूसरी चिंता। पर फिर भी दिल में एक अजीब सी उलझन थी और वह थी सच्चे धर्म की। मुझे कोई भी हो, किसी संप्रदाय का हो, सदाचारी और धार्मिक मनुष्य प्रिय था। मैं उनकी इज्जत करता था और उनसे शिक्षा लेता था। मैंने मजहब का अर्थ प्रेम समझ रखा था। अपने से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, राग द्वेष की कलिमा से हृदय को बचाते हुए सद्गुणों का प्रचार करना और अपने अंदर बढ़ाते जाना मैंने धर्म समझ रखा था। उन ऐसे अल्लड़पने के दिनों में मुझे अचानक गुरु महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं फतेहगढ़ में था। महात्मा रामचंद्र जी महाराज अलीगढ़ तहसील से बदल कर फतेहगढ़ आए थे। इलाज कराने के बहाने उनसे मुलाकात की, परंतु मैं पहचान ना सका कि यह उच्च कोटि के कोई महात्मा है, क्योंकि ना कोई उनका भेष था ना कोई प्रमाण। यह वही कहावत है कि फकीर को फकीर ही पहचाने। मैं इस विद्या में बिल्कुल अनभिज्ञ था, इसलिए उनसे बराबर बालेसा ही व्यवहार करता रहा। आगे चूंकि प्लेग का समय था, मैं महाराज तिरुआ की कोठी में गंगा किनारे आ गया और आप भी अकेले मेरे पास रहने को आ गए। बच्चों को कहीं दूसरे स्थान पर किसी रिश्तेदारी में भेज दिया था। मेरे पास एक नौकर था, वही हम दोनों का भोजन बनाने लगा। एक साथ खाना, एक साथ रहना, एक ही कमरे में सोना, साथ साथ नित्य घूमने भी जाने लगे। इतना सब कुछ होते हुए भी 2 महीने गुजर गए, पर मैं उनकी जुबान पर ना तो कभी भगवान का नाम आते देखा और ना कोई धार्मिक चर्चा करते सुना। इतने जब्त और इतनी खामोशी में कोई कैसे उन्हें तौल सकता था। तवज्जय गायवान अज्ञात शक्तिपात। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव का मेरे ऊपर आंतरिक प्रेम था। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने रोजाना रात्रि के समय जब मैं सो जाया करता था, मेरे ऊपर तवज्जय गायवान यानी अज्ञात शक्तिपात मतलब अनजाने में हृदय शुद्ध करना का प्रयोग करना शुरू कर दिया और रस्सी में बांधकर मुझे मेरी अनजान अवस्था में ही माया के कठिन दलदलों से पार कराकर सुंदर और सुहावने आध्यात्म क्षेत्र में लाखड़ा कर दिया और उसी देश का अधिवासी भी बना दिया। उनके इस निस्वार्थ उपकार एवं निष्काम दया का कोई क्या बदला दे सकता है। यदि मेरे संपूर्ण शरीर के रोम जीवा बन जाएं, तब भी ऐसे सदगुरु की स्तुति और प्रशंसा नहीं की जा सकती और उस उपकार का बदला भी नहीं चुकाया जा सकता। यह आकर्षण वाला प्रयोग नित्य प्रत चलता रहा और मेरे अंदर चुपके चुपके काम करता रहा। फिर यह बात मुझे कई मास पश्चात जाती कि मेरी कुर्ती को जबरदस्ती संसार से हटाकर के इधर मोड़ दिया गया है और प्रभु चरणों में लगाया गया है। उसी का यह प्रभाव है कि मैं निरंतर खिंचाव महसूस कर रहा हूँ और खिंचता चला जा रहा हूँ। उस आनंद का रस ले रहा हूँ जिसके सामने दुनिया के सारे मजे फीके दिखाई दे रहे हैं। इसी का नाम तवज्जय गायवाना है। यूँ तो संत प्रत्येक मनुष्य पर इसका प्रयोग हर समय ही करते रहते हैं, अपने रंग के छींटे अनजाने में सब पर डाला ही करते हैं,
और अवसर आने पर उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष हो जाता है। परंतु उनकी दया यदि किसी विशेष व्यक्ति पर हो जाती है तब तो सीधी धारें उसी की ओर जाती हैं और उसके हृदय की चादर को गहरे रंग में रंग कर छोड़ती हैं। इसके लिए रात्रि का वातावरण शीघ्र फलदायक होता है, इसलिए यह काम अधिकतर रात्रि में ही किया जाता है। इस प्रकार ईश्वर विमुख लोगों को सत्पथ की ओर लाने के लिए यह एक ऐसा हथियार है कि जिसका बार कभी खाली नहीं जाता। यह ऐसा तीर है जो कमान से निकलते ही सीधा मन को निशाना बनाता है। यही बात मेरे साथ हुई। इसके साथ ये अध्याय समाप्त। अगला अध्याय है दादा गुरु जी की पहली तवज्जो। साथियों नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप सुनना शुरू कर चुके हैं रामाश्रम भजन माला। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल पर दिव्य पोत डॉक्टर चतुर्वेदी साय नाम से एक सीरीज चल रही है। आज उसका अध्याय 7 जिसका नाम है दादा गुरु जी की पहली तवज्जो। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं समक्ष सतगुरु जो होते हैं वह अपने शिष्यों को अज्ञात रूप से अपनी शक्तियों से अपने जैसा पावन बना देते हैं और दुनिया की माया से शिष्य का मोह कब भंग हो जाता है शिष्य को पता ही नहीं चल पाता। ऐसा ही परम पूज्य दादा गुरु जी ने श्री गुरु महाराज जी के साथ किया। अब आगे चलते हैं। परम पूज्य श्रीमान लालाजी महाराज दादा गुरु जी ने जब गुरु महाराज जी की सुरती ही बदल दी और उनके हृदय क्षेत्र को कोमल कर लिया, अपनी या ईश्वरी शक्ति प्रवेश कराने लायक बना दिया, तब एक दिन गुरु महाराज जी से बोले, चलो आज गंगा किनारे चलते हैं। गंगा किनारे ले जाकर एक सघन कुंज में ले गए जहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें बैठ गए दोनों लोग। इस घटना में आगे बढ़े उससे पहले दादा गुरु जी का एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। दादा गुरु जी संगीत गायन में अद्भुत थे। उस समय के बड़े से बड़े गायक भी आपके सामने फेल थे। एक बार ऐसे ही अपनी धुन में मस्त दादा गुरु जी ने कुछ गुनगुना रहे थे। गुरु महाराज जी ने सुन लिया। तब दादा गुरु जी से बोले, आप तो बहुत सुंदर गाते हैं, फिर आप गाना क्यों नहीं गाते हो? इस पर दादा गुरु जी बोले, हमें तो ऐसी चीज मिली है जिसकी मस्ती से ही वो सब नहीं मिलती, गाना कौन गाए? गुरु महाराज जी बोले, हमें ये बताइए, संगीत से ज्यादा अच्छी कौन सी चीज मिल गई? दादा गुरु जी बोले, जब समय आएगा तब बताएंगे। आज वही दिन था। अपने गुरु महाराज जी के गुरु भाई परम पूज्य हन्नारायण सक्सेना जी दादाजी की गायकी को याद करते हुए लिखते हैं। सन 1925 की बात होगी, कानपुर में मामा जी के घर पर हमें एक बार संध्या समय अपने गुरुदेव के पास पूजा ध्यान करने बैठने का सौभाग्य मिला। तब हमारे गुरुदेव ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अपने श्रीमुख से मधुरतम स्वर में सुनाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
आज 70 वर्ष से अधिक हुए फिर भी वे सब हमारे कानों में उन्हीं मधुरतम स्वर में गूंजते हैं। जहाँ और जब भी इस पद को किसी के मुंह से अथवा रिकॉर्ड आदि से सुनते हैं, वह याद ऐसी जम जाती है कि बड़ी देर तक हम गुरुदेव के संपर्क का आनंद लेते रहते हैं। भजन तो और भी आपके श्रीमुख से सुने थे, वह वैसे ही याद हैं तथा अब तक इन कानों में गूंजते रहते हैं। यह तो बात हुई अपने दादाजी के गायन की, अब कहानी में आगे चलते हैं। कुटिया में जाकर बैठ गए। दादाजी ने श्री गुरु महाराज जी से कहा, ठीक मेरे सामने बैठ जाओ ताकि जो अक्ष पड़े ठीक तुम्हारे में उतरे। हल्के से आंखें बंद कर लो और अपने मन को देखते रहो कि वह क्या क्या करता है। अब गुरु महाराज के शब्दों में आगे की कहानी। गुरु महाराज लिखते हैं, अब मैं कुछ नहीं देख रहा था, केवल मन के कृत्यों को देख रहा था। आरंभ में 3-4 मिनट तक विचारों का तांता लग गया। जब यह सब कुछ बंद हुआ तो एक स्याह पर्दा सम्मुख आया। आगे चलकर वह फटने लगा। उसमें से एक चमकता हुआ सूर्य दिखाई दिया। अद्भुत आनंद प्रतीत हुआ। इस समय मुझे कुछ खबर नहीं थी, मस्ती की दशा बढ़ रही थी। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं। अनेक दिव्य लोग सामने थे, भिन्न भिन्न प्रकार की दिव्य आत्माएं सम्मुख दर्शन दे रही थी, अनेक प्रकार के दिव्य शब्द सुनाई दे रहे थे। आगे खिंचाव और बढ़कर बड़ा एक शक्ति का आभास सा हुआ जो सबको चला रही है, सब पर उसका नियंत्रण है, सबकी अधिष्ठता है, ऐसा जान पड़ रहा था। किसी ने संकेत में कहा, यही है सर्वशक्तिमान ईश्वर, यही खुदा है, इसी का नाम आदि प्रकृति मूल माया सर्वेश्वरी जगदम्बा है। शक्ति भी यही, शक्तिवान भी यही है, यही जगत विधात्री आदि शक्ति का दर्शन है। माया यहां से आगे नहीं जाती, प्रकृति का खेल यही समाप्त होता है, यही ब्रह्मांड की हद है। यह सब 40-45 मिनट के अंदर हो गया। जिन अवस्थाओं के लिए लोग तरसते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए जीवन भर पांव रगड़ते हैं, वह प्रथम दिन ही मिल गई। जो दर्शन जन्म जन्मांतर में भी नसीब नहीं होते, वह केवल गुरु कृपा से मुझे प्रथम दिन ही मिल गए। दादा गुरु जी को जब हुजूर महाराज ने ध्यान कराने की इजाजत दी तो एक बड़ा जलसा किया था, वही याद आ गया, आपको सुनाते हैं। परम पूज हनराय सक्सेना जी लिखते हैं, उस जलसे ने हुजूर महाराज ने हर धर्म मजहब और पंथ के जो सर्वोच्च संत थे उनको बुलाया था। अपने दादा गुरु जी के गुरु रूप की पुष्टि करने के लिए सत्संग की सभा बैठी तो हुजूर साहब ने दादा गुरु जी को अपने पास बिठाया और उपस्थित सभी महापुरुषों से कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ यही एक दरख्त तैयार कर पाया है। अगर आप उसको काबिल समझें तो इसकी पुष्टि करें। अगर किसी प्रकार के सुधार का प्रस्ताव चाहें तो कर सकते हैं। फिर सब लोग आंखें बंद करके बैठ गए। हुजूर महाराज, महात्मा जी महाराज
मतलब दादा गुरुजी से बोले, बेटे पुत्तूलाल हुजूर महाराज दादाजी को प्रेम से बोला करते थे। इन सब साहिबान को तवज्जो दो और जो भी सवाल करे उसका उत्तर दो, परमात्मा तुम्हें कामयाबी दे। महात्मा जी ने तवज्जो देना आरंभ किया। पहले तो एक आनंद महसूस होने लगा, फिर धीरे धीरे सब लोग विचार सुनने हो गए। अंत में सिवाय परमात्मा की याद के कोई भी विचार शेष न रहा। सभी वंश के महापुरुष जलसे में बैठे दिखाई देते थे। धीरे धीरे प्रकाश दिखाई देने लगा, फिर केवल प्रकाश ही प्रकाश रह गया और सब चीजें नजरों से ओझल हो गई। ना कहीं जमीन ना आसमान, एक नूर था जो सबकी जान था और उसमें एक अजीब आकर्षण और प्रेम था। सब उसमें मस्त थे। एक सुहावनी नाम की गूंज सुनाई देती थी। सबकी तबीयत बेकरार थी। उस प्रकाश में जी चाहता था कि शरीर टूट कर आत्मा उस नूर में समा जाए। आंखों से आंसू जारी थे। सब उस नूर के प्रेम से द्रवित हो रहे थे। थोड़ी देर में हालत बदली। प्रकाश धीरे धीरे नजर से ओझल होने लगा। होश भी था और बेहोशी भी थी। जो हालत उस समय थी वह वर्णन से बाहर थी। हुजूर महाराज ने फरमाया, बस अब बंद करो। धीरे धीरे सबने आंखें खोली। सब एक मुंह से बोले कि क्या कमाल हासिल किया है और सत पद तक रसाई ही नहीं, उसमें पूर्ण लय अवस्था भी प्राप्त कर ली। उन महापुरुषों में से एक महापुरुष ने प्रश्न किया कि शुक्र किसे कहते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि परमात्मा की देन का उचित प्रयोग धर्मशास्त्र के अनुसार करना ही शुक्र है। सबने एक मुंह से महात्मा जी की पूर्णता का समर्थन किया। जलसा समाप्त हो गया। मौलाना रूम ने शक्ति कहा था कि 100 वर्ष के सच्चे तप से जिसमें कोई बनावट या मकारी ना हो, एक घड़ी किसी संत की सोहबत या संगत बेहतर होती है। जो वस्तु तब से दुर्लभ है वह संतों की दया से मिनटों और सेकंडों में मिल जाती है। यह प्रसंग हमें बताते हैं संत कितने दयालु होते हैं, किस प्रकार बिना कुछ कहे अंतर मन को निर्मल बनाते रहते हैं। और जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ है किस आसानी से अंतर में स्थापित कर देते हैं। इसके साथ ही यह अध्याय 7 समाप्त। अगला अध्याय है बूंद से सागर तक का सफर, जो कुछ समय बाद अपलोड होगा।